अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाईजान, आज काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और आप कह रहे होगे मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, कोई लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में तो नहीं खड़ा। तो भाई ऐसा नहीं है, मैं लंदन पेरिस में नहीं खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ आज इम्प्रेस मार्केट में। और जो है यहाँ पर मैं अपने ऑफिस के काम से आया हुआ था, ये मेरे पास टैब और डायरी है मेरी, तो ऑफिस के काम से ही आया हुआ था। तो मैंने बोला कि चलो आप लोगों को ज़रा इम्प्रेस मार्केट का विजिट कराते हैं। तो अब मेरे पीछे आप देख रहे हो इम्प्रेस मार्केट है और जो है ना यहाँ पर सारे होलसेल की मार्केट है और सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या मामला है। आप देख सकते हो मेरे पीछे पूरे इम्प्रेस मार्केट, पहले कुछ और था, अब रिन्यू हो गया है। पीछे रेम्बो सेंटर आपको दिख रहा होगा जहाँ गेम्स और सीडी वगैरह मिल रही होती है। पीछे पूरा इम्प्रेस मार्केट है, इस तरीके से पूरा जो है ना आप देख सकते हो मेरे पीछे। ठीक है, तो अभी अंदर चलते हैं, हम टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करते और अंदर चल के दिखाते हैं आपको कि क्या है। कोशिश करूँगा चारों तरफ से आपको दिखाऊँ कि किस तरीके की मार्केट बनी हुई। तो अभी चलते हैं अंदर आ जाएँ। अच्छा, तो भाई अभी देखें, ये एंट्रेंस है पूरे इम्प्रेस मार्केट की, बैक साइड वाला एरिया है। एक उस साइड से एंट्रेंस है, एक इस साइड से एंट्रेंस है। तो अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। सिर्फ आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे सारी चीज़ें आपको दिखा सके। तो एंटर होते ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ मिर्चे विर्चे, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मिल रही हैं। और पूरी मार्केट में माशाल्लाह से अभी जो है रश है, शोर शराबे से आपको लग रहा होगा। तो अभी आपको दिखाते हैं, देखें पूरी मार्केट में काफ़ी रश हुआ हुआ है। यहाँ पर ये मैक्रोनी वगैरह ये सारी चीज़ें भी मिल रही होती हैं, पापड़, ये सारी चीज़ें दुकान के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ मिर्चे वगैरह ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, इधर लीमू और ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी ये शॉप पे काफ़ी रश है, बाजरा, मिर्चें, ये सारी चीज़ें। अभी नीचे चलते हैं, नीचे चल के भी आपको दिखाते हैं। यहाँ कुछ आइटम्स ये भी मिल रहे हैं यहाँ पर, क्रॉकरी वगैरह की, तो ये भी दिखाते हैं आपको। एक मज़े की चीज़ अभी आपको मैं दिखाता हूँ नीचे चल के, यहाँ पर ऑयल वगैरह जो निकाला जाता है वो किस तरीके का निकाला जाता है, आप ओवरव्यू देख रहे हैं। यहाँ से हम इंटर हुए हैं अभी और ये जो है नीचे एक पूरी मार्केट है। तो यहाँ पर दिखाते हैं आपको गोश्त वगैरह की मार्केट है, वो इसकी बैक साइड पे, वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। अभी चलते हैं नीचे, मैक्रोनी वगैरह ये सारी चीज़ें, पापड़ वगैरह की बड़ी अभी वही रमजानों में सेल चल रही होती है, रमजानों में मैक्रोनी पापड़ काफ़ी अच्छे चल रहे होते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप भरपूर इस तरफ भी और इस तरफ भी मैक्रोनी और पापड़ रखे हैं। ये हम पापड़ के रेट वगैरह पूछते हैं जरा, यहाँ क्या रेट चल रहे हैं पापड़ के, क्या रेट है पापड़? 60 रुपए पाव। और मैक्रोनी ये वाली 70, ये वाली 70 रुपए। मैक्रोनी कोई भी लेना 70 रुपए पाव है। ये पेनी पास्ता ये 90 रुपए पाव है, सही है। ये 60 रुपए पाव है और ये 70 रुपए और वो 90 रुपए पाव है। ठीक हो गया, शुक्रिया। और ये जो पापड़ के पैकेट है ये वाले 70 रुपए, ये 70 रुपए के पैकेट है, जबरदस्त। ये चावल वगैरह भी यहाँ पर मौजूद है। ये क्या पैकेट है, कितने का है फुल्की का? 400 रुपए किलो। और ये छोटी वाली बूंदी 480 रुपए किलो। रमजानों में बहुत चलते हैं, बूंदी फुल्की जो है सारी बहुत सही चल रही होती है, मकदार में लच्छे सवैया सारी चीजें रखे होते हैं। अभी हम पूरी मार्केट के अंदर मौजूद हैं, ये आप देख सकते हो ओवरव्यू, काफी जो है रश है मार्केट के अंदर। अभी भाई मैं इस मार्केट के अंदर ही मौजूद हूँ, ठीक है, आप लोगों को दिखाते हैं। पीछे पूरी मार्केट आप देख सकते हो काफी जो है चहल पहल हो रही है, लेकिन अभी मतलब पहले के बनिस्बत मार्केट में रश कम है। अभी देख सकते हो आप मेरे पीछे, आपको एक और चीज दिख रही होगी, इसके बारे में बताता हूँ आपको क्या है क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको अभी दिखाता हूँ मैं, अभी आगे लेके चलते हैं और दूसरी जगह आपको एक चीज़ और भी दिखाता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर अब जो है सब्जी वगैरह का भी सिलसिला है, यहाँ पर है मतलब एक ही मार्केट के अंदर आप सारी चीज़ें जो है ना ले सकते हैं। यहाँ आलू, प्याज, यहाँ फल और जो है ना यहाँ पर तेल वगैरह भी मिल रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें मिल रही होती हैं, सब्जियाँ वगैरह भी मिल रही होती हैं, अच्छी फ्रेश सारी सब्जियाँ होती हैं यहाँ पर। ये देख सकते हो फ्रेश क्वालिटी है, ये तुरई है, गाजर, ये सारी चीज़ें फ्रेश रखी हुई हैं यहाँ पर ना, मटर वगैरह ये सारी चीज़ें फ्रेश हैं। तो बहुत फ्रेश आइटम यहाँ पर मिल रहे होते हैं, आप लोग यहाँ पर आके चीज़ें ले सकते हैं। और ये अंकल जो है बड़ी बेहतरीन चीज़ है, ये अंकल अभी यहाँ इन्होंने खोपरा डाला, अब इसका तेल निकलेगा, तो ज़रा अभी आपको दिखाते भी हैं किस तरीके से इसका तेल निकालते हैं अंकल। ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है, यहाँ पर आप किसी भी चीज़ का चाहे तेल निकलवा सकते हैं। ये देखें ये चलना स्टार्ट हो रहा है अब आहिस्ते आहिस्ते। अच्छा, ये पूरी तैयारी होती है बाकायदा, इसके यहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ है इन्होंने और यहाँ पर जो है ये सारी चीजों का तेल निकालते हैं इस तरीके से अपने आप को बेल्ट लगाकर।
सही अंकल अभी स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पानी वानी लगा लिया इन्होंने खोपरे में, अभी इन्होंने चलाना स्टार्ट कर दिया, मुझे थोड़ा पीछे होना पड़ेगा, जाहिर सी बात है इनको जगह देनी है तो ये चल सकते हैं। ये इस तरीके से जो है पूरी चलते रहेगी और तेल निकलता रहेगा। ये देखें क्या बात है भाई, ये इस तरीके से अंदर पिसता रहता है और ये इसका तेल निकलता रहता है। भाई अभी मैंने अंकल से पूछा कि अंकल कौन कौन से यहाँ तेल निकाल सकते हैं, तो अंकल ने बोला खोपरा और बादाम का ये जो है तेल आपको फ्रेश निकाल कर दे देंगे, आप ये इम्प्रेस मार्केट के अंदर आके आराम से जो है अपनी आंखों के सामने चीजें फ्रेश आप ले सकते हैं। तो मेहनत तो है, जाहिर सी बात है मेहनत कर रहे हैं अंकल, ये घूमे जा रहे हैं काफी देर से, वजन रख के अपने पर स्वीट बेल्ट बांध लिए और जो है ना तेल निकाल रहे हैं। तो अभी इसका तेल निकलता कहाँ से वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आधे घंटे के करीब ये घूमता रहेगा और इसका तेल जो है वो यहाँ से निकलता रहेगा ऐसा ऐसा। अच्छा ऐसे मैं आगे चलता रहूँ तो यहाँ पर टिश्यूज वगैरह की और भी शॉप है, यहाँ शॉपर वगैरह मिल जाते हैं आपको इस तरीके से, यहाँ पर प्लेट्स वगैरह गत्ते वगैरह ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। ये यहाँ पर भी आप देख सकते हो टिश्यू और ग्लास वगैरह इस तरीके के मग वगैरह जो सोडा शॉप वगैरह को चाहिए होती हैं वो सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं, बकायदा केचप वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पर जो है आपको मिल जाएंगी। देखें यहाँ पर कट पीस वगैरह भी आपको मिलता है। अच्छा एक बड़ी मजे की चीज मुझे यहाँ पर दिखी है, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या चीज़ है और मैं अंकल से कोशिश करूंगा पूछूंगी इस हवाले से क्या चीज़ मौजूद है यहाँ पर। ये देखें ये यहाँ पर जो है भाई सूखी मछली रखी हुई है, आई थिंक ऐसे ही है सूखी मछली है ना ये, है ना ये सूखी मछली यहाँ पर रखी है, किस पर्पज के लिए काम आती है? खाने के लिए ही। अच्छा खाने के लिए ही इस्तेमाल होती है, और भी चीजें इनके पास रखी हुई क्या मेरे ख्याल से झींगे वगैरह हैं। भाई ये इम्प्रेस मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने मेरे ख्याल से नॉर्मल शॉप पे आपको नहीं दिखती होंगी, तो ये भाई यहाँ पर होंगे मौजूद, इनसे आप ले सकते हैं। तो ये किस हिसाब से मिलती है सर? वजन के हिसाब से, किलो के हिसाब से मिलती है, केजी के हिसाब से। अच्छा ये है कौन सी मछली? ताली बोलते हैं इसको, अलग अलग जबान में अलग अलग नाम है। अच्छा कराची वाले क्या कहते हैं इसको? ज्यादा करके ताली बोलते, ताली ताली कहते हैं भाई इसे। तो ये मछली आप ले सकते हैं यहाँ से आके, और पर्पस ये ज्यादा बेहतर आपको बता पाएंगे खाने के किस चीज के इस्तेमाल में आती है ना, झींगे वगैरह भी यहाँ पर। तो चलते हैं आगे और भी आपको मजीद चीजें दिखाते हैं मजे मजे की। मैं यहाँ से एंटर हुआ था और पूरी मार्केट घूम घुमा के मैं पीछे वाली साइड से आ गया। भाई अभी मैं थोड़ा आगे से घूम कर आया हूँ तो अंकल ने काफी हद तक जो है इसका बेरोक तो कर दिया, वो भी इसलिए कि जाहिर सी बात है नीचे ऑयल निकलना शुरू हो गया इसके। ये देखा तो भाई इसमें बड़ी मेहनत है और ये काफी भाई मेहनत करते हैं तो जाके कहीं कुछ कमा पाते हैं। अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले किस तरीके का था और किस तरीके का हो गया ये। भाई अभी मैं निकल के आ गया हूँ इसकी जो है फ्रंट वाली साइड पे, मैं आपको दिखाता भी हूँ अभी मैं कहाँ पर निकल के आया हूँ। और ये इसके पीछे भी पूरा इसी तरीके से जो है ना बना हुआ है, और ये पीछे आप मेरे देख सकते हो ये रोड है मेन रोड जो एम ए जीना रोड कहलाता है, और ये पूरी इसके पीछे जो है ना सदर की पूरी मार्केट है, ये घड़ियों की मार्केट है, इसके पीछे आपका बोरी बाजार वगैरह ये सारी मार्केट जो है इसके पीछे ही पड़ती है। और ये पीछे आप देख सकते हो पूरा इन्होंने पार्क टाइप का बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पर। और अभी जो है मैं खड़ा हुआ हूँ इसके मेन एंट्रेंस पे जो फ्रंट साइड पे, वो अभी मैंने बैक साइड से आपको दिखाया था, फ्रंट साइड से आपको दिखा रहा हूँ जो इम्प्रेस मार्केट का फ्रंट साइड है। तो भाई अभी अंदर चल के आपको इस तरफ से भी मामला दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें जो है यहाँ मिल रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था ये अंदर ऑयल निकालने वाले अंदर भी बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, ये हमारा भाई यहाँ पर भी काम कर रहा है, एक अंदर भी ऑयल निकाल रहे हैं। इस तरीके से सारे ऑयल वगैरह यहाँ पर आपको निकाल लिए जाते हैं, अचार वगैरह रखे हुए हैं। और एक चीज और मजे की आपको बताते चले हैं कि रमजान के हवाले से यहाँ पर खजूर वगैरह पे जो है भाई इनके होलसेल रेट होते हैं, आप देख सकते हो इन्होंने सारे खजूर के रेट वगैरह लगाए हुए हैं। और यहाँ पर रूह अफजा जामे शीरी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी आराम से, अखरोट वगैरह बादाम पिस्ते सारी चीजें आपको यहाँ पर फ्रेश चीजें आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर फ्रेश स्टॉक सब्जियों का जैसा कि मैंने आपको अंदर भी बताया था, टमाटर आप देखें कितने बड़े बड़े साइज के टमाटर हैं भाई, खीरा देखें आप, गाजर देखें, बंद गोभी पत्ता गोभी इस तरीके से सारी चीजें भाई फ्रेश यहाँ पर रखी हुई हैं। और यहाँ पर मेरे राइट साइड पे भी अखरोट बादाम पिस्ते वाली शॉप है, पूरा इनके पास माल माशाल्लाह भरा हुआ है और होलसेल रेट होता है यहाँ पर इनके पास। और इस गली से सामने निकलते हैं तो यहाँ पर भी खजूर वगैरह भाई देख सकते हैं आप, खजूर वगैरह के भी रेट लिखे हुए हैं यहाँ पर,
इन्होंने सारे खजूर के नाम और खजूर के रेट लिखे हैं, ईरानी पप्पू खजूर रूबी सारे खजूरों के रेट यहाँ पर लिखे हैं और इनके पास भी आइटम सारे मौजूद हैं। आपको पूरा व्यू दे दी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को भाई लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने काम के साथ साथ ये आपको यहाँ के व्यूज़ भी दिखा सकूँ। और अगर आपको ऐसा पसंद आया हो तो फिर आप लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मैं आपको सारी मार्केटें आपको जो है ना दिखाता रहूँगा। जहाँ जहाँ मैं अपनी मार्केटें जाता हूँ और बुकिंग कर रहा होता हूँ, तो उस हवाले से भी मैं आपको मार्केट का सारा ओवरव्यू देता रहूँगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।